नंबर 9 मुल्क के कई सूबों में जिस तरह से ग्राम पंचायत, ग्राम विधान व नगर पालिका में दीगर पसमानदा तबकात को रिजर्वेशन दिया गया है, इसी के मुताबिक कॉरपोरेशन कानून साज काउंसिल, असेंबली, राज्यसभा व लोकसभा में पसमानदा तबकात की सीटें रिजर्व करते हुए रिजर्वेशन दिया जाए। नंबर 10 मुल्क के कई सूबों में अदालिया में पसमानदा तबका के लिए रिजर्वेशन नाफिज किया गया है, इसी के मुताबिक पूरे मुल्क में नाफिज किया जाए। नंबर 11 SC ST एक्ट के पुराने एक्ट की हम हिमायत करते हैं, इसी पुराने एक्ट को नाफिज किया जाए। नंबर 8 किन्नर ट्रांसजेंडर को पसमानदा तबका में ना मानकर इसको इसी के तबके में रिजर्वेशन दिया जाए। ये बैकवर्ड की मांग है और एक मैं थोड़ा सा तारुफ करा दूँ, पहले गलती होगी उससे पहले। मेरा नाम अब्दुल समी सलमानी है, मैं इसका अध्यक्ष हूँ। जनाब शाहिद सिद्दीकी साहब हैं, ये मोहम्मद शाहिद सिद्दीकी साहब ये उपाध्यक्ष हैं। जनाब मोहम्मद शेफी साहब हैं, ये उसके जनरल समीम अहमद शेफी साहब, ये उसके जनरल सेक्रेटरी हैं। जनाब आदि आरफीन मंसूरी साहब हैं, ये उसके सेक्रेटरी हैं। जनाब ताहिर सिद्दीकी साहब हैं, ये उसके कैशियर हैं। जनाब इस्लामुद्दीन केसरी साहब हैं, वो उसके सेक्रेटरी हैं। और हमारे साथ में हंसराज जी हैं, ये इसके प्रवक्ता हैं। एक मिनट, हमारे साथ महबूब अली एडवोकेट साहब हैं, वो इसके बहुत जिम्मेदार मेंबर हैं। और हमारे चांद खान अब्बासी जो हैं, माशाल्लाह हसब हैसियत हैं, वो इसके मेंबर हैं। और जनाब हफीज हवारी साहब, जो आपको तारुफ करा दूँ कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी ऐलान कर रखा है कि जब हिंदू धोबी को शुल्क कास्ट का दर्जा मिल सकता है तो मुसलमान धोबी को भी मिलना चाहिए, जो हवारी साहब ने कर रखा है कोर्ट में। और फराना अंजुम भी हैं, जो हमारी मेंबर हैं इंडियन बैकवर्ड कॉन्फ्रेंस की। तो मैं गुजारिश करूँगा सबसे पहले कि हंसराज जी इसे एड्रेस करें।